नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिवाली हिंदू धर्म के लोगों का बेहद महत्वपूर्ण त्योहार है। रोशनी से जगमगाता यह पर्व इस बार 4 नवंबर यानी आज गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन नरक चतुर्दशी भी पड़ रही है। दिवाली के दिन प्रदोष काल में महालक्ष्मी पूजन करने का विधान है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ भगवान गणेश, देवी सरस्वती और महाकाली की भी पूजा होती है। दिवाली का त्यौहार हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। जानिए क्यों और कैसे मनाया जाता है यह पावन पर्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद अयोध्या वापस लौटे थे। इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर उत्सव मनाया था। कहते हैं तभी से दिवाली पर्व की शुरुआत हुई। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया था और देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इसलिए कार्तिक चतुर्दशी पर नरक चतुर्दशी का त्योहार भी मनाया जाता है। लक्ष्मी पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त शाम 6:09 से रात 8:04 तक रहेगा। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 4 नवंबर को 6:03 से शुरू होगा और समाप्ति 5 नवंबर को 2:44 पर होगी। इस दिन माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए घर के मुख्य दरवाजे पर रंगोली जरूर बनवाए। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।